जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को जमकर सुनाया। सुने क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। दागी नहीं है जिसने हिंदू मियां में खाता नहीं होगा। एक को चार केस तो था नहीं, योगी था, सेकेंड बार में हटा है ना। अभी बेटी बैठी हुई है कि नहीं धरना पे, तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो ना। यौन शोषण तो किया, क्या छोड़ रहे हो? सुबह बाजा तो बाजा चलनी बाजे। और वो लोग बोलते हैं जिन पर सारे केसेस हैं, ललन सिंह 47 वाले को टिकट दिया कि नहीं, बालू माफिया को MLC का टिकट दिया कि नहीं, क्या बोलते रहते हैं ये। बीजेपी तो मांग रही थी रिहाई, अटल अडवाणी के साथ ही तो ये लोग गठबंधन किए थे, एक साथ किए थे, तब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बीजेपी के साथ इन लोगों का गठबंधन था, 16 साल के बाद छोड़ा तो कौन सा पेट में दर्द इन लोगों को हो गया भाई? क्या वो टिल डेथ लिखा हुआ क्या? रेयर एंड रेयरेस्ट कैसे गया? बार बार एक ही बात का चर्चा, एक ही बात का चर्चा। आपको पुलवामा याद नहीं है कि पुलवामा में इन लोगों ने 40 आदमी को मरवा दिया था, ये चुनाव लड़े, उसको क्यों दबा रहे हैं? पुलवामा को बुला रहे हो, 13 आदमी को मार दिया महाराष्ट्र में, उसको भूल रहे हो? हर दिन तो ये मार ही रहा इन लोग का कोई। जब ये कर्नाटक हार रहा हो, दुनिया हार रहा हो, तब ये जिस तरीके की बात करता है, इन लोगों से के थेटरलॉजी मुंह लगाए। इन लोगों के पास पावर और पैसा दोनों हो चुका है, अहंकार में ये लोग चूर हैं। सारे पैसा को तो इन्हीं लोगों ने लूटा है, अदानी अंबानी सारे पैसे, भारत के इंटायर पैसे। इससे बड़ा चोर कौन है भाई? सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी है। हिम्मत तो पुलवामा की जांच करा ले, है हिम्मत तो JPCC से जांच करा ले अदानी की। ये महंगाई पर बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा, फार्मर्स पे बात नहीं करेगा, ये भागता है हर चीजों से। लालू जी आ रहे हैं, सबके बीच रहे, दीर्घायु रहे, हमारी भी उम्र उनको लग जाए, हमेशा उनके लिए शुभकामना। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा था? चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना, बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में ये बाबा आबा चोर चिल्लर। लालू जी के आने से कोई राजनीति में भी असर पड़ने वाला है? अभी तो चुनाव है, सब एक ही है, तो राजनीति में क्या असर पड़ना है? बीजेपी कह रही है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कौन कर बीजेपी लालू जी के आने से? लालू जी तो साथे हैं सबके, तो इसमें आने जाने तो लगा रहेगा। सिंगापुर से है, फिर यहाँ घर आ रहे हैं, परिवार के साथ रहेंगे, फिर जांच कराने जाएंगे। बीजेपी फोबिया है समझे, इन लोगों को कोई छापता उपता नहीं है, इसके लिए गाली गलौज करना, किसी की जिंदगी में दखल देना, बस इन लोगों की छपनी चाहिए किसी न किसी। प्रदेश अध्यक्ष का को बिना पेंदी का लूटा सब लोग धरती पर। उनके पिताजी कह रहे थे हम प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बड़ी मुंह छोटी बात, छोटी मुंह बड़ी बात, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का। जो मन में आता है सो बकता है। अरे जात पात छोड़ दो ना, हिंदू मियाँ इसको कहीं छोड़ देने, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, चाइना का नाम कहने लेता है, रूस और अमेरिका का नाम कहने लेता है, पाकिस्तान का नाम इसीलिए लेता है कि नया जो जनरेशन कॉरेक्स और